तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं पोकेमॉन फायर के एक और नए एपिसोड को लेकर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले एपिसोड में हम लोग गए थे पोकेमॉन मेंशन के अंदर एक की ढूंढने के लिए, और वो की हम लोगों को मिल गया था। इसीलिए हम लोग इस जिम के अंदर आ गए थे और हम लोग यहाँ पे जिम में आज जिम बैटल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पिछले एपिसोड में ही यहाँ के सारे क्विज को सॉल्व करके हम लोग चले गए थे लीडर को चैलेंज करने। लेकिन जब मैं लीडर को चैलेंज करने गया था तो मेरा एक पोकेमॉन लैप्रस का स्लीप लेवल 25 या फिर 26 ही था, इसीलिए मैं उस बैटल को नहीं जीत सकता था, क्योंकि मेरे पास स्लीप लैप्रस को ही एडवांटेज है। इसीलिए मैं यहाँ पे आज जाके इसके साथ बैटल करने वाला हूँ। और मेरे लैप्रस का मैंने लेवल अप हाई किया है, और मुझे मैंने उसका शायद से लेवल 40 या फिर कितना किया था वो गाइस, मैंने उसका लेवल 41 किया था। तो उसका पहला पोकेमॉन है ग्राउलेट, जिसको मैं सर्फ अटैक कर देता हूँ। शायद से वो फेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको डिसएडवांटेज है। नाइस गाइस, वो फेंट हो चुका है बहुत, वो भी बहुत आसानी से एक ही अटैक में। और पोनीटा आने वाला है, मैं स्विच नहीं करूँगा, मैं लैप्रस को ही यूज करूँगा। और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सर्फ, प्लीज फेंट हो जा। अब वो भी फेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल ग्रावलेट से भी कम है। ग्रावलेट का लेवल 42 था, लेकिन इसका सिर्फ 40 ही है। और हमारे लैप्रस को मिल चुका है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। और उसका तीसरा पोकेमॉन है रैपिडस, मैं फिर से यहाँ पे सर्व करूँगा, लेकिन उसका फायर ब्लास्ट मुझको लग चुका है। फेंट तो नहीं होगा, क्योंकि लेकिन क्रिटिकल हिट लगाया, इसीलिए बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। और सर फेंट हो जा, फेंट हो जा। वो भाई एक HP में बच गया। और मैं यहाँ पे आइटम्स को यूज करूँ या फिर ना करूँ, अगर मेरे पास हाइपर पोशन होंगे तो मैं यूज करूँगा, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही हाइपर पोशन है। और मेरे पास इतने सारे पोकेमॉन है, अगर मैं क्यों इसको यूज करूँ। मैं पोकेमॉन सिंपली स्विच करके लाऊँगा स्नोरलैक्स को, और मैं यहाँ पे स्नोरलैक्स को यूज करता हूँ, क्योंकि और कोई पोकेमॉन इफेक्टिव नहीं होगा। स्लीप स्नोरलैक्स भी इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन स्नोरलैक्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा HP है। और मैं बॉडी स्लैम कर देता हूँ, क्योंकि बॉडी स्लैम का साथ से हेडबट से ज़्यादा पावर होगा। और उसने मुझे फायर ब्लास्ट किया, जिससे मुझे डैमेज बहुत ज़्यादा कम हुआ, इसीलिए मैं स्नोरलैक्स को ला रहा था। और मैं यहाँ पे हेडबट करने वाला था, लेकिन उसने पहले अटैक कर दिया, क्योंकि इसने रिलैक्स का बहुत ज़्यादा ही कम है स्पीड, और मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसीलिए मैं अभी रेस्ट करूँगा। और मैं यहाँ पे रेस्ट अटैक होता है, मैं वो करूँगा। आर्कनाइन आने वाला है, मैं पोकेमॉन स्विच नहीं करूँगा। उसका आखिरी पोकेमॉन है, वो भाई लेवल 47 का है, फिर भी मैं स्विच नहीं करूँगा इसने रिलैक्स को। वो भाई मैं रेस्ट करने वाला था, लेकिन उसने पहले अटैक कर दिया। प्लीज फेंट मत होना। ओ भाई, हमारे स्नोरलैक्स 7 HP में बच गया है, अभी उसका HP होगा फुल, इसीलिए मैं रेस्ट अटैक को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम का है। और स्लिप टक करते हैं, उससे एक अटैक लग जाएगा और उसका फायर ब्लास्ट मिस हो चुका है। अभी कौन सा अटैक लगेगा, स्लिप टक हो चुका है, अभी एक अटैक लगेगा। ओ भाई, बॉडी स्लैम लग गया है हमारा, प्लीज फ्रेंड। ओ भाई, उसे तो डैमेज नहीं हुआ, मैं फिर से स्लिप टक कर देता हूँ। और फायर ब्लास्ट उसका आ गया है, प्लीज फेंट मत होना। मुझे नहीं लगता कि फेंट होगा, डैमेज भी ज़्यादा नहीं हुआ उतना ज़्यादा। और अभी स्लिप टकर, और कौन सा अटैक आएगा, अभी क्रिटिकल हिट लगना चाहिए, क्योंकि अभी एक अटैक मैंने कर दिया है और क्रिटिकल, ओ भाई क्रिटिकल हिट लग गया। और आर्कनाइन हो चुका है फेंट, इसका मतलब हम लोगों ने जीत लिया है। हमारा 7th batch और हमें सिर्फ एक ही बैच चाहिए पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कह रहा है, मुझको नहीं पढ़ना है। और हम लोगों को मिल चुका है TM-38, मुझे लगता है कि TM-38 में होगा फायर ब्लास्ट। और हम लोगों को मिल चुका है हमारा 7th batch जो है वोल्केनो बैच। अभी हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं यहाँ से बाहर चले जाता हूँ, हम लोगों ने भी जीत लिया है इसको। और यहाँ पे ओ भाई, ये तो बिल है ना, लगता है हम लोगों को कुछ है। वर्क है डेविल इजिंट लुक मी, आई एम डेविल, लॉन्ग टाइम टू सी, हाँ आई होप यर स्टिल यूजिंग माय PC वेल, लिसन सिंस वी मीट देयर, हाउ मेनी स्पेंडिंग टाइम विथ मी।
हाँ बहुत टाइम हो गया हम लोगों को नहीं मिले। दियर आर लिटल आइलैंड इन द साउथ कॉल्ड वन आइलैंड। ओ भाई एक आइलैंड भी है, आई फ्रेंड इनवाइटेड माई टू वे टू दियर। ओ भाई लगता है हम लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी हमारा एट बैच जीतना है, इसीलिए मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पे ओ भाई ये हमारे लिए वेट करेगा बिजनेस पोकेमॉन सेंटर में, और यहाँ पे कुछ इसके लिए बिजनेस का काम है मुझे लगता है। अभी मैं पहले तो जाऊँगा उड़ के बेरोलियन सिटी में, क्योंकि वहीं पे हमारा होगा एट बैच, और उसका जिम लीडर कौन सा होगा मुझे तो पता है, और आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में अभी कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और मैं यहाँ पे पहले तो पोकेमन को हील कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पोकेमन का हेल्थ कम है, क्योंकि अभी अभी जिम बैटल तो मैं करके आया हूँ। और गाइस मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोग जब 50 पोकेमन को पकड़ लेते हैं, 50 पोकेमन नहीं पोकेडेक्स, तो हम लोगों को मिल जाता है एक एक्सपी शेयर। और आप लोगों को एक्सपी शेयर का है नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जब आप लोग एक्सपी शेयर किसी पोकेमन को होल्ड कर दोगे, तो जब आप लोग एक बार उसको होल्ड कर दोगे तो आप लोग एक के साथ बैटल कर रहे हो, और आप लोगों ने एक दूसरा पोकेमन को यूज कर लिया, तो जो एक्सपीरियंस वो पोकेमन को मिलेगा जिसके पास एक्सपी शेयर होगा तो उसको भी मिल जाएगा। और गाइस मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिया था, और मैं यहाँ पे सीधा आ गया था यहाँ पे एक्सपी शेयर लेने, और मेरे पास एक पोकेमन कम था, इसीलिए मैंने एक पोकेमन भी पकड़ा है, और हम लोगों को मिल चुका है एक्सपी शेयर जो मैं दूंगा अपने लैपरस को, क्योंकि लैपरस का लेवल और पोकेमन से थोड़ा सा कम है। और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे रूट 15 में आ जाना है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे किधर होगा शायद से वो यहाँ पे नीचे यूज करता हूँ वो भाई यूज, हाँ यूज नहीं करना है, गिव होल्ड कराना है आइटम को, मैं लैप्रस को दे देता हूँ क्योंकि लैप्रस का हेल्थ कम है। और मैं यहाँ पे फ्लाई करके सीधा चले जाने वाला हूँ बेरोलियन सिटी में, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पे हमारा जिम बैटल करना है, और हम लोगों को कौन सा जिम लीडर मिलेगा तो आप लोग उसको देखने के लिए वीडियो में बने रहे। मुझे तो पता है कि एक कौन सा होगा, हम लोग पहले तो इनसे बात कर लेते हैं कि बेरोलियन जिम लीडर रिटर्न, हाँ मुझे पता है। अभी जब आप लोग 7 बैच जीत लोगे तो आप लोग रिटर्न यहाँ पे जिम लीडर रिटर्न हो जाएगा, और मैं यहाँ पे अंदर चल देता हूँ। और गाइस यहाँ पे इस पजल को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका लीडर कौन होगा, तो अभी भी पता नहीं चला है तो मैं बता दूं कि इसका जिम लीडर है जियोवानी, और जियोवानी कौन है तो आप लोगों को पता ही होगा, जियोवानी है टीम रॉकेट का बॉस। और आप लोगों को मुझे इसका पजल पता है क्योंकि मैंने थोड़े से यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, इसीलिए मुझे यहाँ पे पता है। और यहाँ पे बैटल होगा, और इसके पोकेमॉन का लेवल आप लोग देख सकते हैं कि लेवल 39 का है। मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ी देर तक ट्रेनिंग करना पड़ेगा इसके साथ बैटल करने के लिए, क्योंकि इसके यहाँ पे इन लोगों के पास ही इतने ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन होंगे, तो बॉस के पास कितना लेवल का पोकेमॉन होगा। और यहाँ पे ऊपर आप लोगों को जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ बैटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही बैटल करने से हम लोगों को काम होगा। और यहाँ पे मैं सर्फ अटैक यूज कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा इफेक्ट भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अटैक करते जाऊँगा। और आखिरी पोकेमॉन है माचोक, और हम लोगों का लैप्रोस हो चुका फ्रेंड, और मैं यहाँ पे विंग अटैक कर देता हूँ। तो आप लोग जब इसको हराओगे तो आप लोग आ जाना नीचे की तरफ, क्योंकि यहीं से नीचे से रास्ता है, और आप लोगों को यहाँ से बच बच के चलना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे पजल को अच्छी तरह से देख के चलेंगे तो आप लोग आ जाओगे, और आप लोगों को यहाँ से आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका लीडर है जियोवानी, लेकिन मैं आज के एपिसोड में इसके साथ बैटल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसके पोकेमॉन के लेवल कितने होंगे, और मुझे पता है कि इसका लेवल इनके पोकेमॉन का लेवल होगा शायद से 45+ तो लेवल होना ही चाहिए, क्योंकि ये आखिरी जिम लीडर है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ी देर ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ बैटल दूसरे एपिसोड में ही करूँगा, मैं लैप्रोस को ट्रेनिंग देके। और इसका इस जिम का टाइपिंग है ग्राउंड टाइप। तो गाइज यही था आज के वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज ये था आज के वीडियो में, बाय बाय गाइज।